चंद्र घंटा मैया की कहानी, चंद्र घंटा मैया की कहानी सुने जो बारंबार है। आद भवानी चंद्र घंटा माँ करती बेड़ा पार है, करती बेड़ा पार है। चंद्र घंटा मैया की कहानी सुने जो बारंबार है। आद भवानी चंद्र घंटा माँ करती बेड़ा पार है, करती बेड़ा पार है। चंद्र घंटा मैया की कहानी। माँ चंद्र घंटा के पावन स्वरूप को मन मस्तिष्क में बिठाते हुए आइए सुनते हैं माँ की पावन कथा। कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों, एक बार असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर अपनी समस्त सेनाओं को और शक्तियों को एकत्रित कर लिया और एक दिवस अचानक से स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इतने अचानक युद्ध से इतनी अतुलनीय शक्तियां देखकर देवता घबरा गए और इंद्र अपना स्वर्ग का राजपाट छोड़कर सभी देवी देवताओं सहित स्वर्ग से भाग गया। भागकर त्रिदेवों की शरण में गए और बोलने लगे, हे प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, हमें बचाइए प्रभु, इन असुरों से हमें बचाइए। देवी देवताओं की यह परिस्थिति देख त्रिदेव भी असुरों से युद्ध करने को उद्यत हुए, परंतु क्या करें, वो भी युद्ध में परास्त हो गए। कैसे परास्त हो गए? क्योंकि अपने ही दिए हुए वर उनके आड़े आ गए थे। दैत्यों से हारे सभी देवता त्रिदेवों की शरण गए, पर त्रिदेव भी उन दैत्यों के आगे भक्तों टिक न सके। अब केवल माँ आदि भवानी ऐसा तो कर सकती है, मैया का सब ध्यान लगाओ रक्षा वो कर सकती है। हे महाशक्ति दर्श दिखाओ, हे महाशक्ति दर्श दिखाओ, हो रही हाहाकार है। आद भवानी चंद्र घंटा माँ करती बेड़ा पार है, करती बेड़ा पार है। चंद्र घंटा मैया की कहानी सुने जो बारंबार है। आद भवानी चंद्र घंटा माँ करती बेड़ा पार है, करती बेड़ा पार है। चंद्र घंटा मैया की कहानी। त्रिदेवों सहित सभी देवी देवता एक पवित्र स्थल पर आ गए। यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की गई, मंत्रोच्चारण करने लगे। सब ने अपनी अपनी शक्तियां और ध्यान माँ पर केंद्रित कर दिया। सब ने माँ पार्वती के आगे हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगे कि हे माँ, अपने तेज से अपने अंश से एक अलौकिक शक्ति को प्रकट कीजिए। माँ ने भक्तों की पुकार सुनी और ऐसा ही हुआ भक्तों, माँ के तेज से एक अलौकिक शक्ति प्रकट हुई जिसका शरीर सोने जैसा चमकीला था। उस अपार शक्ति के 10 हाथ थे भक्तों। अब समय आया उस पारलौकिक शक्ति को सभी प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करने का। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने माथे का अर्ध चंद्रमा उतारा और माँ के शीश पर स्थापित कर दिया। माँ की श्वास से घंटा जैसी ध्वनि आ रही थी। सभी ने माँ के इस स्वरूप को चंद्र घंटा नाम दिया और प्रफुल्लित स्वर में माँ की आराधना करने लगे। शीश पे शिव शंकर ने अपना चांद सजाया है, तीज नेत्र की शक्ति दीनी और त्रिशूल थमाया है।
विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन मैया को दे आए हैं। इंद्रादि तो सभी देवता शक्ति समर्पित लाए हैं। चंद्र घंट मैया अब भक्तों, हाँ चंद्र घंट मैया अब भक्तों लड़ने को तैयार है। आदि भवानी चंद्र घंट मा करती बेड़ा पार है, करती बेड़ा पार है। चंद्र घंट मैया की कहानी सुने जो बारंबार है। आदि भवानी चंद्र घंट मा करती बेड़ा पार है, करती बेड़ा पार है। चंद्र घंट मैया की कहानी। जैसा कि मैंने कहा, सबसे प्रथम भगवान शिव ने अपने माथे का चंद्रमा माँ के मस्तिष्क पर स्थापित किया, फिर अपने गले का वासुकी नाग माँ के गले में स्थापित किया, अपना पिनाकी धनुष माँ के हाथ में पकड़ाया, दूजे हाथ में चंद्रहास खड़क थमा दी, विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, सूर्य ने अपना सारा तेज, वायु ने वेग, मेघों ने वर्षा, पर्वतराज हिमालय ने सवारी हेतु सिंह माँ को समर्पित किया। इस प्रकार माँ सभी देवी देवताओं की परम अमोघ शक्तियों से परिपूर्ण हो गई और माथे पर अर्ध चंद्रमा और श्वासों से घंटा ध्वनि निकालकर भयंकर रूप बनाकर युद्ध में जाने को उद्यत हो गई। सबने माँ की मिलकर जयकार करी और माँ सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ी। अस्त्र शस्त्र लेकर हाथों में युद्ध भूमि में आ गई। घंटा ध्वनि सुनी असुरों ने तो सेनाएं घबरा गई। तीजा नेत्र खोला मैया ने, असुर की सेना राख हुई। घंटा ध्वनि जो सुनी भयंकर, सेनाएं सब भाग गई। जो भी आया माँ से लड़ने, जो भी आया माँ से लड़ने किया उसका संहार है। आदि भवानी चंद्र घंट मा करती बेड़ा पार है, करती माँ उद्धार है। चंद्र घंट मैया की कहानी सुने जो बारंबार है। आदि भवानी चंद्र घंट मा करती बेड़ा पार है, करती बेड़ा पार है। चंद्र घंट मैया की कहानी। अब दानवों के सेनापति 1 करोड़ राक्षस सैनिक लेकर माँ के समक्ष आए। माँ ने शिव जी का दिया हुआ पिनाकी धनुष निकाला, उस पर अमोघ बाण चढ़ाए और जैसे ही असुर सेना पर छोड़े, 1 करोड़ राक्षस एक पल में ढेर हो गए। फिर माँ ने चंद्रहास खड़ग उठाई और बाकी बचे हुए राक्षसों का शीश काटकर उन्हें मृत्यु लोक पहुंचा दिया। चारों ओर असुरों की सेना में भगदड़ मच गई, हाहाकार मच गया। ऐसी कौन सी अमोघ शक्ति आ गई है जो आज हम असुरों का विनाश कर रही है। माँ ने अपना मुख खोला, उसमें से भयंकर ज्वाला निकली और असुरों की बची खुची सेना जलकर राख हो गई। सभी देवी देवताओं ने मिलकर माँ चंद्र घंटा की जय जयकार करी। माँ ने इंद्र को उसका राज्य लौटा दिया। सभी देवी देव अपने अपने भवनों में पहुंच गए और माँ चंद्र घंटा की जय जयकार कर उनकी पूजा आराधना करने लगे। स्वर्ग का राजा इंद्र बना तो मन ही मन हर्षाया है। चंद्र घंट मैया जी की फिर जय जयकार लगाया है। दुर्गा माँ के तीज रूप ने लीला परम दिखाई है।
शिव शंकर ब्रह्मा विष्णु ने जय जयकार बुलाई है चंद्र घंट मैया के चरणों, चंद्र घंट मैया के चरण झुकता ये संसार है, आद भवानी चंद्र घंट माँ करती बेड़ा पार है, करती माँ उद्धार है। चंद्र घंटा मैया की कहानी सुने जो बारंबार है, आद भवानी चंद्र घंटा माँ करती बेड़ा पार है, करती बेड़ा पार है। चंद्र घंट मैया की कहानी भक्तजनों, माँ के पावन नवरात्रों में तीजे नवरात्र में माँ के इसी चंद्रघंटा स्वरूप का पूजन आराधन किया जाता है। जो भक्त माँ के तीजे स्वरूप चंद्रघंटा का विधि पूर्वक पूजन अर्चन करते हैं वो जीवन में समस्त सुख भोग कर अंततः माँ के लोक में जाते हैं और मुक्ति का फल प्राप्त करते हैं। तो आइए अक्षत चंदन रोली मोली घी धूप दीप जलाकर माँ चंद्रघंटा का आराधन करते हैं और माँ की असीम कृपाएं प्राप्त करते हैं। तो बोलिए चंद्रघंटा मैया की। से पहले जागो और भक्तों स्नान करो, केसर के बड़ा जल ले आओ और मैया का ध्यान धरो, इस जल से स्नान करा के माँ का आवाहन करो, चंदन तिलक लगा मैया का तुम तो सब गुण दान करो, ना छोड़े मझधार में नैया, ना छोड़े मझधार में नैया करती बेड़ा पार है, आद भवानी चंद्र घंटमा कर देती उधार है, करती बेड़े पार है। चंद्र घंटा मैया की कहानी सुने जो बारंबार है, आद भवानी चंद्र घंटमा करती बेड़ा पार है, करती बेड़ा पार है। चंद्र घंट मैया की कहानी